नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरीशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बड़ी खबर महोबा से है, जहां पर कासीराम कॉलोनी डॉट रोड निवासी उस समय दहल गए जब करीबन शाम के 7:45 पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। कासीराम कॉलोनी राठ रोड ब्लॉक नंबर 10 में समाजसेवी एवं पत्रकार भगवती प्रसाद सोनी निवास करते हैं। उस वक्त अपने पड़ोसियों के साथ रामायण का पाठ कर रहे थे। दरवाजे पर अलाव भी चल रहा था जिसमें महिलाएं और बच्चे ताप रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल सवार 3 लोग आए और कई राउंड गोलियां चलाते हुए भाग निकले। आनंद फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सिटी CO और कोतवाल पुलिस बल पहुंचे और मौका मुआयना किया। पीड़ित भगवती प्रसाद सोनी ने लिखित तहरीर में बड़े पुत्र के हत्यारों पर जान से मारने की शंका जताई है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने अज्ञात मुकदमा पंजीकृत करके छानबीन शुरू कर दी है। जिस प्रकार गोलीबारी की घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं यह बात साबित हो रही है कि महोबा में अपराधियों पर पुलिस लगाम लगाने में विफल हो रही है। महोबा से रमन दीक्षित की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।